अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, इस टाइम हमारा कोई शाम के 5 बजे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैं और सनिया जा रहे हैं तेज़ब को नबीद के लिए और हानिया के लिए कुछ थोड़ा सा सामान लेने और उसको जो है ना वो फिर क्योंकि पहले हम लोगों ने ले के रखा हुआ है वो भी जो है ना TCS करवाना है, तो हमने एक साथ सोचा कि एक साथ TCS करवा दें। फिर उसके अलावा आज कराची का जो बादल हैं वो बिल्कुल ब्लैक हुए हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बारिश होगी और महकमे मौसमियात पीछे बैठी हुई है, इसने जो है ना ग्रीन कलर का दुपट्टा पहना हुआ है, तो इसने बहुत प्यारी लग रही है। और भाई हमारी सुलह भी हो गई है, लेकिन सुलह भी हाफ हाफ हुई है, पूरी नहीं हुई है, पूरी भी 1-2 दिन तक हो जाएगी। तो हम लोग गए थे असल में डॉक्टर के पास, वहाँ से जो है ना मेरा BP चेक करवाना था। रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम से BP हाई हो गया और पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही। हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ खाया पिया तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर का ही खाना खा रहा हूँ, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा आजकल। बाहर जो है ना मौसम है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हो रहा है और बादल भी जो है ना ब्लैक हो गए हैं। तो अभी इन बादलों से इल्तजा है कि प्लीज़ बरस पड़ें प्लीज़, क्योंकि अब हम आपको याद कर रहे हैं, पहले आप हमें याद करते थे, अब हम आपको याद कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी इल्तजा सुनी जाए और आप बरसें, ताकि आप बरसेंगी तो ठंडक आएगी, ठंडक आएगी तो फिर AC बंद, पंखे बंद और हमारे बिजली के बिल जो है ना कम हो जाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बरस पड़े प्लीज़। कुछ नहीं होता, काटना है। गाइस, यहाँ हम अब्दुल्ला शाह गाजी के पास पहुँच गए हैं और मैं यहाँ पर डालूँगी आज दाने अपने, मैं उठाने लगी थी घर से लेकिन फिर भूल गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेते हैं। ये भी सदका होता है, आपको दाने डालने चाहिए। मैं घर पे भी मतलब रखे हुए हैं, दीवार पर आते हैं, इससे आपकी तमाम मुश्किलात जो है ना हल हो जाती हैं, यकीन के साथ डालो। सामने ये अब्दुल्ला शाह गाजी का दरबार है, ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैं चने की दाल, जाओ बाजरा लेने वो ले लो जो नहीं नहीं ये थी। गाइस यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं बाजरा, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने सोचा हुआ था कि बाजरा डालें। सामने अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार है, ये वाला इसको रखने से ऑक्सीजन पैदा होती है, वो ये जेल जैसा चलें जी, इसको रखे तो ऑक्सीजन पैदा होती है। ये एरोवेरा जेल है, आगे तो मैं नहीं जाऊंगी, बस मुझे ये वाला लेना है तो इसलिए मैं इसके बारे में पूछ रही हूँ। ये बड़े साइज में भी आए, नहीं मुझे आगे नहीं जाना। ये देखें बहुत प्यारी नर्सरी है, अल्लाह ताला बस मुझे एक ऐसी नर्सरी का नाम मालिक बना दे। खैर ये बहुत अच्छी है, ये सबसे बेस्ट है, इससे ऑक्सीजन पैदा होती है। और ये पौधा आप अपने घर में मेरी तरफ से लाजमी लगाइएगा, मुझे ये बहुत पसंद है, इसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। किन फूलों की, ये तो सांझा फूल है ना, ये हर घर में लगा होता है पंजाब में ख़ास तौर पर। यार जल कितनी बड़ी बड़ी है, ऐसी मैं हमेशा ना देखा। अच्छा ये वाले फूल का नाम मैंने रखा हुआ है सांझा फूल, ये पंजाब में हर घर के बाहर लगा होता है। बस अभी चेजा भी आ गया, अभी चलते हैं। ये बेर पता नहीं किस चीज़ का, हाँ हाँ ये तो अभी ये सर्दियाँ अभी ये ज़्यादा हो जाएंगे। ये भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा, ये चीज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह जी, ये भी बहुत प्यारा है। अच्छा मुझे एक ये पौधा भी अच्छा लगता है और जो मेरा फेवरेट है ना एक वो है, उसके ऊपर जो वाइट कलर के फूल लगते हैं मुझे वो बहुत पसंद है, ये वाला। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है और इस खुशबू का पाउडर भी बनता है, शायद आपको पता हो। बहुत प्यारी नर्सरी है, बहुत प्यारी है। ये देखें गाइस काले बिल, खाले खाले मैं कुछ नहीं कहती। गाइस ट्राउज़र वगैरह मैंने ले लिए हैं और ये बैग मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी, ये बैग भी प्यारा है, ये वाला भी प्यारा है, ये भी वाइट भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी वाइट है, ये छोटे छोटे भी प्यारे हैं। ये मोबाइल के लिए बहुत अच्छा, ये भी प्यारा है।
ये शायद छोटे बच्चों के लिए। तो गाइज ये मैंने हानिया के लिए शॉपिंग की है, ये उसके लिए लिए हैं मैंने पोनिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं और सॉफ्ट हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। इसमें से एक पीस मैं रखूँगी, दो पीस हानिया को भेज दूँगी। और हानिया नूर की ये वाली डॉल जो है फेवरेट है, पतली सी लंबी सी और उसके लंबे लंबे बाल, तो ये ली है। और ये तो आपको पता है कि बच्चों की वैसे ही फेवरेट है, तो ये मैंने ली है। ये सिर्फ हानिया की शॉपिंग थी। और एक ट्राउज़र मैंने ये वाला लिया, ये शॉर्ट है। और ये वाला कपड़ा आप चेक करें, जैसे रेशमी टाइप नहीं होता, ये बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। और एक ये लिया और एक ये है, ये भी बहुत ही अच्छा कपड़ा है। अगर इसमें कोई और कलर होता ना तो मैं लाजमी एक और ले लेती। और ऐसे तो दिलबर साहब ने मेरे साथ बिल्कुल नहीं जाना था, कुछ भी मैं कर लेती उन्होंने नहीं जाना था। तो मैंने उनको झूठ बोला था कि नवीद भाई ने जो है ना चीज़ें मंगवाई हैं, तो पहले तो वो बाहर से देख रहे थे ना, मैंने कहा नहीं उसे अच्छे वाले चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं चेज़र पे गई हूँ, वहाँ से अच्छे वाले देख कर लिए हैं, क्योंकि नवीद भाई का, और चले नवीद भाई की जो हाइट है वो लंबी है, लेकिन ये है कि ये वाली चीज़ इन दोनों की सेम ही है, मतलब ना ट्राउज़र इनको सेम ही आते हैं। जब मैं जाऊंगी तो नवीद भाई के लिए तब देखूंगी, लेकिन ये मैंने दिलबर साहब के लिए लिए हैं, क्योंकि हमेशा हमने ही हुक्म चलाया है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। यकीन करें कि उनके ट्राउज़रों की हालत इतनी गंदी हो चुकी थी ना, मैं तो डेली बेस पे वॉश करती हूँ इस वजह से। तो फिर अभी वैसे एक ट्राउज़र वो पहन भी गए हैं, चार लिए मैंने, एक पहन गए हैं, लेकिन वो गुस्से होकर गए हैं कि तुमने ये हरकत क्यों की है। तो हमेशा हमने ही बोला है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और उन्होंने अपनी हमेशा हर ख्वाहिश को ना ख़त्म ही किया है। तो इस वजह से फिर मैंने अपने लिए भी लेने थे लेकिन कुछ भी नहीं लिया। हानिया का मैंने बैग देखना था, तो वो मुझे वहाँ से जो मैंने चेज़ा पे पहले देखा था ना वो ख़त्म हो गए, वो नहीं मिले। अभी उन्होंने मुझे बोला है कि सनिया मैं आप उर्दू बाज़ार ले जाऊँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फिर मैं हानिया बेटे के लिए वहाँ से लूँगी। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। अभी एक सरप्राइज़ और है, वो किसके लिए है वो मे भी आपको इसी ब्लॉग में मिले या कल के ब्लॉग में मिले, तो वो बताऊँगी। तो अभी कुछ भी नहीं पता, सुबह से बस ऐसे ही लेटी हुई हूँ, अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। आज जी चौथा दिन, चौथा नहीं, इस साइड पर हमारी वाली गली में पाँचवा दिन स्टार्ट हो गया कि दिन रात से कोई गैस नहीं है। तो अभी गैस आ गया है, गैस सॉरी यार क्या हो गया मुझे, हिल गई हूँ मैं। वो सिलेंडर हमने लगा लिया है, तो उस पर हम क्या हम कर रही हूँ, मैं खाना बनाऊँगी। बस यार छोड़ो, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं पागल हो गई हूँ। चलें गैस, ये चिकन है जिसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखे हुए हैं मैंने, चार से पाँच इसमें बोटियाँ हैं। और ये कल वाले चने हैं, तो ये बिल्कुल बॉईल किए हुए, वैसे तो सोचा था इसका मैं वो चाट से बनाऊंगी, लेकिन नहीं, अभी बस मैंने बॉईल किए हुए तो इसमें डाल दूंगी। बाहर गली में इतनी शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है ना, बंदों ने जंग छेड़ी हुई है। तो माशाल्लाह से गैस कोई नहीं हुई आया, सिलेंडर पे खाना बनाती हूँ। पहले गाइस आसान तरीका, इसमें मैंने प्याज को, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, हर चीज़ जो है थोड़ी खम सी आने लगी थी ग्राइंड कर ली है। अभी बस मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, बाकी तरीका भी बताती हूँ। इसमें मैंने चिकन भी ऐड कर दिया है, और ये जो मटेरियल मैंने रेडी किया था वो भी मैंने डाल दिया इसमें। मैं हल्का सा पानी मिक्स करके इसको भी मैं इसमें ना ऐड कर दूँगी। इसको वॉश करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया कि जब आप इसमें लहसुन अदरक प्याज को ग्राइंड करते हैं तो इसको वॉश कैसे करते हैं। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें मैंने बस वही पानी डाला है जो मैंने प्याज को ग्राइंड करने के लिए डाला था, बाद में वो जग को साफ़ करने के लिए, और इसमें कोई पानी नहीं है। इसमें टमाटर हैं, ये सारा पानी इसमें गोश्त ने अच्छे से पक गाइज, मैंने इसमें सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं ये पकना भी शुरू हो गया है। सबसे आसान तरीका ये है, इसके साथ आप बाकी सारे घर के काम करते फिर वो खाना आपका रखा गया। बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसकी, क्योंकि हर चीज़ तो हमने इसकी ग्राइंड कर ली है। तो बस अभी मैं इसे रख के बाकी काम कर लेती हूँ। मैंने इसको ढक दिया है, अभी मैंने इसको साफ़ करना है। इसमें मैंने क्या करना पता नहीं, मैं वो व्लॉग ऐड करती हूँ कि नहीं करती हूँ, इसी में अभी मैं ऐड करूँगी हल्का सा ये विम लेमन मैक्स है ये वाला, इसको ऐड करूँगी, और पानी, पानी ऐड करने के साथ मैं इसको चला दूँगी। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया,
अच्छा इसमें ये होगा कि इसमें प्याज की जो भी अभी मैंने सारा कुछ ग्राइंड किया ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। चलिए गाइस ये पोजीशन आगे हो गई है इसकी, काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है और जिसमें बोटियां हैं वो भी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई हैं, बल्कि हो चुकी हैं। ये देखें ये अपने ही ग्रेवी में पकेंगी तो इसका बहुत अच्छा। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है, अभी इसको और पानी खुश करूँगी फिर उसके बाद इसको मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, इसमें चने भी डालूँगी मैं, इसमें चने भी ऐड कर दिए हैं क्योंकि चने तो कल के बॉईल हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए हैं तो इस वजह से। अंदर अभी मैंने ऐड किया है ये वाला मसाला, ये मैंने आज इसके दोनों पैकेट खोले हैं, खोल के मैंने एक ना शीशे के जार में बंद कर लिए हैं, इसके अंदर से ये दो पैक निकले थे तो ऐसे तो फिर इनके अंदर नमी हो जाती है, ख़राब हो जाती। चलें गाइस हमारा खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, ऑयल इसका ऊपर आ गया, अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ। आज मैं ना ये बेडशीट चेंज करने लगी हूँ क्योंकि दिलबर साहब कह रहे थे कि सनिया प्लीज़ इसको चेंज कर दो, मुझे ना ये अच्छी नहीं लग रही है। अभी मेरे पास कोई बेडशीट नहीं है तो ना मेरे पास एक न्यू है पैक पड़ी हुई है जो मैंने सोचा था कि अभी नहीं उसको ना सर्दियों में मैं बिछाऊँगी तो, लेकिन चलें कोई बात नहीं अभी बिछाते हैं, आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसी है वो। नो ये है मेरी बेडशीट, इसमें है तकरीबन 7 से 8 पीस, ये मोटा साइज़ का कंफर्टर है जो मैंने ईद पे बिछाया था ना वो पतले वाला था, आप ये देखें कि ये सर्दियों वाला है, लेकिन इसकी जो बेडशीट है वो आप अभी बिछा सकते हो, मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मेन बात है कि इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है और ये मुझे कोई मैंने अब के नहीं लिए हुए, इसको काफ़ी टाइम हो गया है मैंने लिया था, कोई 3 से 4 साल लगा लें, लेकिन वो मैट्रेस और तरह का था, बेड भी और तरह का था, तो वो बस फिर मैंने ये सोचा था कि ज़िंदगी में जब कभी अपना घर बनेगा तो मैं ना ऐसी चीज़ें निकालूंगी। अच्छा चलें क्या बातें करिए, मैं इसके एक ये वाला कवर है मेरा, ये वाले जो होते हैं ये वाले, ये वो हैं कुशन जिसको बोलते हैं शायद। अच्छा दो तकिए इसके ये वाले हैं, ठीक है ये देखें बहुत ही अच्छा कॉटन और सॉफ्ट कॉटन वाला कपड़ा है ब्रांड वाला। अच्छा दो इसके ये वाले जो हैं वो तकिए हैं, ठीक है, और हाँ दूसरी तरफ से ये सादा है ऐसे, मतलब एक तकिया कवर दो ये हैं और दो ये हैं, दो वो हो गए हैं, और ये इसकी खूबसूरत सी बेडशीट है, ये भी मैं बिछाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। बाकी ये इतना मोटा इसका कंफर्टर है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये भी मतलब डबल साइड है, 2-in-1 बोलेंगे इसको शायद, तो इस तरह के मेरे पास दो सेट हैं, एक इसमें लाइट कलर है वो पंजाब में पड़ा है, ये बस ये देखें आप पूरी बेडशीट चेक करें, मैंने इसको बिछाया है, ये बहुत ही सॉफ्ट जो है लॉन या कॉटन वाला कपड़ा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। एक तकिया इसका इस तरह का है, एक पे ऐसे छोटे छोटे फूल हैं, सेम ऐसे इसके कुशन है वो भी तकिया ऐसे, बेडशीट भी ऐसी है, ये भी 2-in-1 है, ये बड़े फूल हैं, अगर आपको बड़े फूल जैसे मुझे ये बड़े फूल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे जो है ये वाला अच्छा लग रहा है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो और टैपिंग ऊपर आ जाएगी। तो ये सेट जो था मुझे डिस्काउंट में जो था मैंने दो लिए थे। अच्छा मेन बात यह है कि ये मेरे ना बेड के साथ जो है बहुत अच्छा सा मैच हो गया। खैर ये बेडशीट मैंने अब के लिए तो खैर बिल्कुल नहीं ली थी, लेकिन अभी मेरे पास कोई और नहीं थी तो मैं इसलिए आज इसको मैंने बिछाया है। मेरा मोबाइल जो है ज़्यादा इसको दूर तक नहीं दिखा पाएगा, बस इतना ही दिखाएगा। अच्छा बात ये है कि ये मैंने डिस्काउंट में लिया था, जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो है ना जहेज़ में बच्चियों को देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा दे सकते, इसमें वेलवेट थी वो काफ़ी महंगे थी, मैंने वेलवेट क्या करनी थी तो इसलिए मैंने ये दो लिए थे, और ये आज से 3 साल पहले के हैं, और इसका एक सेट और है वो मैंने आपको बताया है जैसे पहले भी कि वो पंजाब में है तो इस वजह से मेरे पास ये वाला था तो मैंने आज ये बिछाया। खैर अभी आप देखें कि कंबल लेने का भी मौसम नहीं है तो ये मैं हटा दूंगी, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा सेट मैंने यहाँ पे इसे बिछाया है, सिर्फ ये बेडशीट और ये रहेगा, ये मैं हटा दूंगी, ये सर्दियों में यूज़ होगा। और इसकी जो प्राइस है मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को लिंक भी चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं ना फिर रिसर्च करके ना कमेंट्स को पिन कर दूँगी।
मैंने डिस्काउंट में जो है ना ये वाला जो 5,000 का लिया था, मतलब दो सेट लिए थे मैंने, ऐसी दो बेडशीट ली थी, तो 10,000-11,000 में मुझे ये दो मिली थी, मतलब 5.5-5 की ये थी। और इससे पहले जो मैंने ईद पे बिछाया था वो 3,500 का था, उसका जो था ना ये वाला कंफर्टर बहुत बारीक सा है, बेडशीट बहुत छोटी है उसकी, जो उसके तकिए वगैरह हैं वो एक में तो उन्होंने वो फोम लगा के तकिया सेट किया हुआ, एक बिल्कुल सिंपल है और उसमें कुशन एक है। अच्छा वो मेरे ख्याल में है 6 पीस का सेट और ये है 7 का, 4, 6, 7, 8, ये 8 का है और वो 7 का था शायद, तो इस वजह से उसमें सिर्फ एक कुशन कम है। लेकिन वो ये है कि वो गर्मियों के लिहाज से था, तो ये सर्दियों के लिहाज से है। अभी भी शायद इनके कोई वेबसाइट पे ऐसे मौजूद होंगे, काफ़ी डिज़ाइन होंगे, लेकिन मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। लेकिन उस वक्त मेरा बेड इतना अच्छा नहीं था और मैट्रेस भी इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ये नहीं बिछाया था, तो फिर ये आज बिछा दिया। काफ़ी तारीफ़ हो गई है, आप भी बताइएगा कि आपको मेरी ये बेडशीट कैसी लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, सिर्फ बेडशीट देखनी है, साइडें अभी नहीं देखनी क्योंकि वो मैंने अभी साफ़ करनी है। मैंने अपने फर्नीचर को बहुत अच्छे से साफ़ किया है, आप इसका शीशा भी चेक कर सकते हैं। ये सारा सामान सेट किया है और ये वाले जो दराज हैं इनमें ज़रूरी सामान रखा है, जो एक्स्ट्रा है वो सारा निकाल दिया है। ऐसे ही नीचे वाले भी सेट किए हैं, ये सारे साइडों से साफ़ किया। टीवी की सूरत हाल बहुत ख़राब थी क्योंकि पैर पड़ा था ना, इसको अच्छे से नीट किया है, फर्नीचर को सारा डीप क्लीन किया है, इसके दराज को सारे अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। मेरा जो ब्लॉग है वो दिलबर साहब ने रास्ते में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ख़ुद भी आप लोगों से एक दफ़ा सलाम वगैरह कर लूँ। 2 से 3 दिन इसलिए ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी अपनी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और जिसकी वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। अंदर छोटे छोटे क्लिप मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं तो, लेकिन मैंने वो व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन मैं आज ऐड कर दूँगी। उसके अलावा रात दिलबर साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो इनको मैं फिर हॉस्पिटल लेकर गई थी और फिर मैंने आके काफ़ी देर तक दुबाया भी है। डॉक्टर ने बस ये बोला कि आप मेडिसिन नहीं लें, बीपी थोड़ा सा हाई था 10%, अगर आप बीपी ये अभी से मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देंगे तो बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पूरी ज़िंदगी आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। खैर उसके अलावा आज उनके लिए शॉपिंग भी की है, वो भी झूठ बोल कर की है क्योंकि ऐसे तो उन्होंने मेरे साथ जाना नहीं था। क्योंकि मैं अपनी बात करूँगी कि मैं यही बोलते रहती हूँ ये चाहिए, ये कर लें, वो कर लें, ऐसी चीज़ करते रहते हैं, कभी उन्होंने अपने बारे में नहीं बोला कि मैंने भी जाना है। एक दफ़ा उन्होंने बोला कि मेरे ट्राउज़र जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, मुझे लेने हैं, हम चलेंगे कभी। तो बस फिर मैंने कहा कभी क्यों, हम अभी चलेंगे। तो इस वजह से मेरी आज उनके लिए शॉपिंग की है। बस मैंने उनको ये बोला था कि नवीद भाई का जो है ना आपका साइज़ ठीक आता है और आपकी पसंद ही उनको पसंद आती है। अब जो है उन्होंने अपने साइज़ के हिसाब से लिए थे तो उनको बहुत अच्छे फिट आए हैं, अल्लाह ताला उनको पहनना नसीब करे। और बस यही ब्लॉग है मेरा, मुझे बताइएगा कि मेरा आपको आज बेडरूम कैसा लगा है, इसकी बेडशीट आपको कैसी लगी है। मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मेरी फेवरेट बेडशीट है, मैंने इसको आज से 3 साल पहले लिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मौका मिला है इसको बिछाने का, तो मुझे आज ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है मैंने इसको ना इस तरह बिछा दिया, दूसरी बार फिर मैं इसकी सेटिंग चेंज करूँगी। बस यही ब्लॉग था, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे। हाँ मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किया करूँगी जो ईजी होंगी, अब हम बनाया करेंगे डेली और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।